हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं मंचूरियन। मंचूरियन के लिए क्या चाहिए, देखिए इनमें एक बंदा गोभी को मैंने मेही में काट लिया है, कद्दूकस कर लिया है। साथ ही हम लोग गाजर को भी कद्दूकस कर लिए हैं। यह बीन्स को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। ये शिमला मिर्च है, ये अदरक है, ये लहसुन है, ये हरी मिर्च है, ये प्याज है जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। साथ में ये कॉर्नफ्लावर है और ये मैदा है। अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, बंदा गोभी में जो हम लोग कद्दूकस किए हुए हैं उसमें नमक डालेंगे और साथ में इसको मिला देंगे ताकि वो उससे जितना मॉइस्चर है वो सब निकल जाए। और इसी में हम लोग सारे वेजिटेबल डाल देंगे, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज, ये सारे चीज़ को मिला देंगे और थोड़ा सा मिर्च भी मिला देंगे, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी लहसुन, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मिर्च भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिला करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। देखिए थोड़ी देर हो गया है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें से हम लोग पानी निकाल लेंगे, इसको ऐसे दबाने पे पानी अलग हो जाएगा। इसको एक साइड में रखते जाएंगे, सारे को हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे। अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे वीडियो में देख के, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं। देखिए ये पानी सारा हम लोग अलग करके रख लेंगे, अगर ग्रेवी में डालना होगा तो इसमें से डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, बड़े से बर्तन में, इसमें से ही थोड़ा सा निकाल के रख लेंगे जो हम लोग को ग्रेवी बनाने में काम आएगा। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे। देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर डाला, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला, ये मैदा 2 चम्मच, इसको अब हम लोग अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। पहले हम लोग नमक डाला है, इस अंदाज़ में डालना है कि नमक हमारा ज़्यादा ना हो। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम लोग देखेंगे, अगर बीच में और मैदा चाहे कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत पड़े तो और डालेंगे। जब तक ये लड्डू ना बनने लगे तब तक हमको इसको अच्छी तरह से मिलाना है। अगर ये आपका बिखर रहा है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर चाहे मैदा मिला सकते हैं। देखिए अभी बना नहीं रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा और 1 चम्मच और 1/2 चम्मच, 1.5 चम्मच के करीब मैंने और मैदा डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए बहुत अच्छी तरह से मिल गया है, देखिए कितना अच्छा से लड्डू बनने लगा है, ये देखिए। अब ये मैंने कि इसके अब मंचूरियन बनाने के लिए रेडी है। बस इसको गोल गोल बना लेना है, आपको छोटा साइज़ रखना है चाहे बड़ा साइज़ रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैंने साइज़ में बना लिया है। इसको अब हम लोग डीप फ्राई कर लेंगे। इसको डाल के तुरंत नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूट सकता है। एक तरफ से ये अच्छी तरह से लाल हो जाए उसके बाद पलटिएगा। और आपका तेल में जितना है उतना ही डालिएगा। खाने में बहुत टेस्टी है, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। बहुत लोग तो जानते ही होंगे, सब बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, मैं इस तरह से बनाती हूँ। एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग को लगेगा बहुत ख़राब बनेगा, एक बार बना के देखिए मेरे तरीके से, बहुत अच्छा बनेगा। आप हर बार ऐसे ही बनाइएगा। इसी तरह करके हम लोग सारा फ्राई कर लेंगे। ये हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह मैंने सारा फ्राई कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बर्तन में ये चिंग्स का वेज मंचूरियन पाउडर है, मसाला है, इसको हम लोग एक पैकेट में से 1/2 पैकेट मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। और जो मेरा वेजिटेबल वाला पानी था उसी से हम लोग इसको मिलाएंगे।
देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो गया था, उसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाला है, और उसके बाद मैंने जितना जो वेजिटेबल मैंने रखा था वो सारा डाल दिया है। इसको थोड़ी देर भूंजेंगे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मिर्च छूटने लगता है। देखिए अब इसको भूंजेंगे, ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि क्या क्या डालना है। ये इस मसाले में सारे चीज़ आते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको अलग से डालना है तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम आपको अलग से बता देंगे कि इसमें क्या क्या पड़ता है। ये देखिए सोया सॉस है, करीब 2 चम्मच डाला है मैंने, आपको अगर लगे ज़्यादा लग रहा है तो आप 1 चम्मच डालिएगा। आपको जैसे रेड कलर में रखना है तो थोड़ा कम डालिएगा, हमको थोड़ा डार्क कलर पसंद है। ये चिली सॉस है, देखिए मैंने भी करीब 2 चम्मच ये भी डाला है। ये रेड चिली टमाटो सॉस है, ये भी मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है। आपको और टमाटो केचप डालना है तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं। और ये जो मैंने वो घोरा था चिंग्स मसाला वो है, ये विनीगर है करीब 1 चम्मच, इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि सॉस में ऑलरेडी नमक रहता है। इसको थोड़े से उबलने देंगे, अब पानी डालेंगे। पानी देखिए, पानी आपको जितना ग्रेवी चाहिए, ये जैसे ठंडा होने पे ये गाढ़ी हो जाएगी। देखिए पानी बॉयल हो गया है, अब सारा मंचूरियन डाल करके आप गैस ऑफ कर दीजिएगा। बस इसको मिला करके अब गैस ऑफ कर दीजिए, ये रेडी है। इसको गर्मा गर्म सर्व करें, रोटी के साथ खाएं, चाय, फ्राई राइस, जीरा राइस किसी के साथ खा सकते हैं। कैसी बनी है प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स प्लीज़। थैंक यू।